हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो पुरी के बारे में है, पुरी जहाँ पे द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल है, वहाँ पे द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जिनको बोलते हैं। और पुरी भुवनेश्वर से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर है, और भुवनेश्वर मेरा घर है और भुवनेश्वर से मैं गया था पुरी। और आपको ये वीडियो के थ्रू सारा डिटेल मैं दूंगा कि कैसे जाना है वहाँ पे, और मंदिर के अंदर क्या रूल्स है आजकल, मंदिर के अंदर जाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, और क्या टाइमिंग है मंदिर का, अभी कब बंद रहता है, कब खुला रहता है मंदिर, और मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी लोकल रूल है वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। और मंदिर के चारों तरफ भी घूमेंगे हम लोग, और थोड़ा पूरे पुरी का सी बीच भी जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, पुरी घूम के आते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं पुरी, और पुरी एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है इंडिया का, और चार धाम में से एक धाम मानते हैं, तो बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है इंडिया का ये। एंड जो जगन्नाथ टेम्पल है, जो लॉर्ड जगन्नाथ है, इनको लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बोलते हैं, और पूरा दुनिया का भगवान है ये। और हम चलते हैं देखने आज। और पहली बार ऐसे आपने सुना होगा कि कोई भगवान जो अपनी डिवोटी को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं, तो जो लॉर्ड जगन्नाथ जी हैं ये साल में एक बार मंदिर से बाहर आते हैं रथ यात्रा के टाइम पे, अपनी जो डिवोटी है उनको दर्शन देने के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं 7 दिन के लिए घूमने। तो ये सब हम धीरे धीरे जानेंगे वीडियो के थ्रू। तो अभी चलते हैं पुरी, रास्ता देख लेते हैं पुरी का कैसा है। तो दोस्तों भुवनेश्वर से पुरी जा रहे हैं हम लोग आज, और भुवनेश्वर मेरा होम टाउन है, और भुवनेश्वर से हम पुरी जा रहे हैं। भुवनेश्वर से पुरी लगभग 65 किलोमीटर है, और लगभग 1.5-2 घंटा लगेगा। रोड अच्छा है लेकिन हम थोड़ा रुक रुक के जाएंगे। और भुवनेश्वर से पुरी जाने के लिए अगर आप बाहर से कहीं आ रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप पर्सनल कैब हायर कर सकते हैं, और सिटी बस है, और बहुत सारे पैसेंजर बस भी जाते हैं, और ट्रेन भी है, तो आप बहुत सारे ऑप्शन है जाने के लिए। तो दोस्तों पुरी एक वर्ल्ड फेमस दर्शनीय स्थान है और धार्मिक स्थल है वर्ल्ड फेमस, तो बहुत भीड़ रहता है नॉर्मली, पूरा साल भर बहुत भीड़ रहता है। आप कभी भी जाओ पुरी में आपको भीड़ मिलेगा। अब अभी कोरोना के टाइम पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन से थोड़ा इसलिए भीड़ कम हो रहा है, लेकिन बहुत भीड़ रहता है सालों के किस टाइम पे भी जाओ। तो आपको मैं बताऊंगा पुरी टेम्पल में क्या क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, किस टाइम पे जाना है, किस टाइम मंदिर खुला रहता है, और मंदिर को चारों तरफ एक राउंड भी मारेंगे हम, सब आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करेंगे पुरी। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से हम पुरी और कोणार्क के लिए अलग होते हैं, और ये जो लेफ्ट जाएंगे तो आएगा कोणार्क जो लिखा हुआ है वहाँ पे, और ये स्ट्रेट जाएंगे तो इस साइड स्ट्रेट जाएंगे तो आएगा पुरी। और आज हम जाएंगे पुरी, ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं पिपली, यहाँ से पुरी और कोणार्क के लिए डिवाइड होते हैं हम। तो चलते हैं आज, ये स्ट्रेट जाएंगे हम पुरी। तो दोस्तों आज हम स्ट्रेट जाएंगे पुरी, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर है, और लेफ्ट जाएंगे तो कोणार्क आएगा, जो हम नेक्स्ट ट्रिप करेंगे कोणार्क के लिए तब हम लेफ्ट जाएंगे। और जैसे दोस्तों हर जगह का एक लोकल डिश होता है खाने का, तो हमारे उड़ीसा का भी एक लोकल डिश है खाने के लिए, जिसको बोलते हैं कि दही बड़ा। दही बड़ा एक लोकल डिश है यहाँ का, ब्रेकफास्ट के लिए लोग हमेशा ट्राई करते हैं लोग यहाँ पे, और बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है, टेस्टी है, थोड़ा यूनिक है टेस्ट इसका। तो जैसे आप रोड पे जा रहे हो कहीं पे भी उड़ीसा में, अगर आपको साइकिल में या बाइक में या ऐसे भी कोई ठेला वाला दो बड़े बड़े स्टील का बर्तन, इतना बड़ा बड़ा बर्तन लेके कहीं खड़ा है ना ब्रेकफास्ट भेज रहा है, तो समझ लेना वो दही बड़ा है। और चलिए दोस्तों दही बड़ा ट्राई करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे पूरी। तो दोस्तों देखते रहे, देख सकते हैं जैसे रोड के बगल में ही है ये, और रोड के बगल में ही मैक्सिमम मिलते हैं आप लोगों को। तो दही बड़ा की दुकान ये है, देख रहे हैं आप, जैसे दो बड़े बड़े स्टील के बर्तन हैं, और अभी चलते हैं ट्राई करते हैं दही बड़ा, देखते हैं कैसे इनका प्रिपरेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले जो दही पे भिगो के रखते हैं बड़ा, वो पहले निकालते हैं, उसके बाद थोड़ा नमक और थोड़ा मिर्ची पाउडर डालते हैं, उसके बाद जो मटर की सब्जी होता है वो डालते हैं थोड़ा सा दही बड़ा के ऊपर, और उसके बाद आलू की सब्जी होता है जो मसाला वाला मस्त वाला सब्जी, आलू की सब्जी वो डालते हैं, और उसके बाद वो डालते हैं प्याज और धनिया वनिया काट के जो रखते हैं वो डालते हैं, और उसके बाद डालते हैं आलू भुजिया जो फ्राई करके रखते हैं आलू भुजिया, और ये होने के बाद सबसे लास्ट में थोड़ा दही डालते हैं लास्ट को, और उसके बाद हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखो दही डाल रहे हैं, इसके बाद हमारा रेडी हो जाएगा दही बड़ा, दो डेलीशियस दही बड़ा। दोस्तों ज़रूर ट्राई करना आप लोग प्लीज़। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट के बाद अभी डायरेक्ट चलते हैं पुरी, यहाँ से 30-40 किलोमीटर होगा, अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पुरी, वहाँ मंदिर देखेंगे, चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पुरी का जो भी एंट्री गेट है वहाँ पे आके पहुँच चुके हैं, यहाँ से पुरी टाउन लगभग 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुरी ए स्वच्छ एंड आइकॉनिक प्लेस लिखा हुआ है, तो सच में ये एक आइकॉनिक प्लेस है, दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, दुनिया भर के डिवोटी जो भी भगवान के हैं लॉर्ड जगन्नाथ के
यहाँ पे आते हैं भगवान को दर्शन करने। और यहाँ से जो भी यहाँ तक है, जो भी अच्छा रोड है भुवनेश्वर से, यहाँ तक ही है जो 2x2 रोड है। और इसके बाद जो भी है सिटी का अंदर वाला रोड है, बहुत छोटा रोड है। तो यहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो आएगा सातपड़ा, जो भी आउटर रिंग रोड है पुरी का। लेकिन आपको राइट नहीं जाना, हमें जाना है स्ट्रेट। हम स्ट्रेट जाएंगे तो आएगा पुरी का जो मेन टाउन है वो आएगा। और स्ट्रेट जाने के बाद हमें ये रोड जाके कनेक्ट करेगा ग्रांट रोड, जिसको बोलते हैं उड़िया में बड़ा दंडव। तो वहाँ पे जाके कनेक्ट करेगा और हम जाएंगे बड़ा दंडव में अभी ग्रांट रोड में। और बहुत बड़ा है वो ग्रांट रोड, तो चलते हैं ग्रांट रोड में। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं द वर्ल्ड फेमस ग्रांट रोड। ये बहुत फेमस है ग्रांट रोड, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ जी जो है वो अपनी मौसी के घर जाते हैं जब रथ यात्रा होता है। तो जो रथ होता है, जो चैरियट होता है, ये इसी रोड में जाते हैं। और ये इसका विड्थ लगभग 40 से 50 मीटर है। अभी पता नहीं चल रहा है इसलिए क्योंकि बहुत सारे टेम्पररी स्टॉल है दोनों साइड में, लोगों ने ऐसे दुकान दे रखा है। जब रथ यात्रा होता है तो ये सारे हट जाते हैं और रोड पूरा खाली हो जाता है। और उस टाइम पे जगन्नाथ जी अपनी रथ में बैठ के, चैरियट में बैठ के फिर अपनी मौसी के घर जाते हैं इसी रोड में। तो बहुत फेमस है ये। और अभी आपको दिख रहा है जगन्नाथ का टेम्पल है सामने। और अभी हम जाएंगे बाइक पार्किंग में, बाइक पार्क करके फिर मंदिर जाएंगे। चलिए, तो मंदिर के पास आगे हम पहुंच गए हैं बाइक पार्किंग के पास। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप बाइक में आ रहे हैं तो पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं बाइक पार्किंग का बहुत सारा स्पेस है यहाँ पे। और बाइक पार्किंग जो है मंदिर के बगल में ही है और आप मंदिर तक पूरा बाइक लेके आ सकते हैं, ये अच्छी बात है। अगर आप कार में आ रहे हो तो आपको कार पार्किंग यहाँ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले आपको कार पार्किंग करना पड़ेगा। तो कार, लेकिन पार्किंग वहाँ पे, जहाँ पे कार पार्किंग है वहाँ से आपको ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा कुछ ना कुछ मिल जाएगा मंदिर तक, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी चलते हैं मंदिर के पास। तो दोस्तों ये है द टेम्पल ऑफ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो श्री जगन्नाथ जी का टेम्पल है ये, वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल। और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, भीड़ बहुत होता है इसीलिए भगवान का दर्शन लेने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद भक्ति भावना मन में अपने आप जाग उठता है। और यहाँ पे आप लोग फोटो वोटो खींचना है तो यहीं पे ही खींच सकते हैं फ़ोटो। ये बेस्ट स्पॉट है फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि मोबाइल आप अंदर कैरी नहीं कर सकते और सामने से ही फ़ोटो खींचने का अच्छा व्यू आता है। आप जैसे देख रहे हैं फ़ोटो मैंने कुछ लिया था, तो यहाँ पर आप जो भी फ़ोटो वोटो खींचना है खींच लीजिएगा। इसके बाद मंदिर के अंदर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ कितना मस्त गार्डन है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है अभी 2-3 साल से, पहले ये सब नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, इतना अच्छा डेकोरेट किया है मंदिर को चारों तरफ से गार्डन से। तो आप मजे ले सकते हैं इसका। और मंदिर के अंदर जाने से पहले मैं कुछ ज़रूरी जानकारी बता देता हूँ। मंदिर के अंदर पर्स, मोबाइल और बेल्ट वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलाउड नहीं है। जो छोटा वाला मोबाइल है वो भी अलाउड नहीं है, तो ये सब ना लेके जाएं। तो पर्स, मोबाइल, जूता, ये सब रखने के लिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपका रखने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे दुकान है मंदिर के लेफ्ट साइड में, वहाँ पे आप रख सकते हो। 10-20 रुपए लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। और गवर्नमेंट का भी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट का जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे काउंटर है रखने के लिए, बहुत बड़ा काउंटर है, लाइन लगा के वहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं उस फैसिलिटी को। अंदर जाके आए, सारा मोबाइल वोबाइल डिपोजिट कर लिए थे हम, और हमारे पास मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था। हम गए अंदर और वहाँ पे जो अवोड़ा मिलता है, जो भगवान का प्रसाद होता है, वो हमने खाया और वापस आए। इसके लिए बता दूँ, अभी कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए 2 डोज, और आपको आधार कार्ड चाहिए, दोनों दिखा के आप वहाँ से एंटर हो सकते हो। पहले ये सब नहीं था, अभी लास्ट महीने अप्रैल में आया था, कुछ नहीं था, अभी शुरू हुआ ये सब। चलिए आप लोग एक बार अभी राउंड मारेंगे बाइक में मंदिर। तो हम अभी मंदिर का चारों तरफ बाइक में सफ़र करने के लिए एक राउंड मानेंगे, चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंहद्वार बोलते हैं इसको, ईस्ट गेट है ये। ये मंदिर का सामने की तरफ है जो मेन द्वार है, इसको बोलते हैं। सामने लायन रहते हैं इसके। तो जैसे आप इस साइड मुड़ के आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो मैं बोला था थोड़ी देर पहले कि आपका लेफ्ट में बहुत सारी दुकानें हैं मोबाइल, पर्स और आपका जूते वगैरह रखने के लिए, यहीं पर है बहुत सारे दुकान। और यहाँ पर जो ऊपर छत जैसे बना हुआ है, लोग वहाँ पर लाइन में जाते हैं, और इस साइड में बहुत भीड़ में लोग जाते हैं लाइन में। जैसे जैसे थोड़ा आगे जाएंगे तो पता चलेगा कहाँ तक ये एंट्री गेट है। बहुत लंबा कर रखा है अभी, बहुत सारा ये कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, बहुत सारा अभी देख रहे हैं ये लोग, पहले ये सब नहीं देखते थे। और मंदिर के चारों तरफ बहुत दुकानें हैं, चारों तरफ आपका जो जितने भी प्रसाद के दुकान है और जो जितने भी भगवान के सामान है ना, जो अपना निर्मल्य हो गया और जो फीता वगैरह जो जलाते हैं, दिया और हाथ में बांधते हैं, गले में बांधते हैं, ये सब चीज़ मंदिर के चारों तरफ आपको मिल जाएंगे आराम से। यहाँ पे ये वेलकम गेट लिखा हुआ है, यहाँ से एंट्री होता है। फिर आपका कोविड वैक्सीनेशन का आप प्रिंट लेके जाना, ज़रूर जाना, क्योंकि आप मोबाइल तो कैरी नहीं करोगे तो आपको प्रिंट लेके जाना पड़ेगा कोविड वैक्सीनेशन का। और आपका आधार कार्ड तो आप कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अभी आप लोग जो राइट साइड में देख रहे हैं ये पूरी श्री मंदिर का
हेड ऑफिस है, आपको कुछ अगर बड़ा अमाउंट डोनेट करना है तो यहाँ पे आके रसीद काट के डोनेट कर सकते हो। और अभी थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो हम इधर से जाएंगे नॉर्थ गेट की तरफ, जिसको बोलते हैं हस्ती द्वार। वहाँ पे दो बड़े बड़े हाथी हैं और वहाँ को उसको बोलते हैं हस्ती द्वार। उस साइड बाकी तीनों द्वार में कोई भी डिवोटी का एंट्री अलाउड नहीं है। मेन एंट्री, सबका एंट्री ओनली फ्रंट गेट से होता है, लायंस गेट के सबका लायंस गेट से ही सबका एंट्री होता है। बाकी तीनों गेट में कोई भी टूरिस्ट का एंट्री नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में, ये हो गया जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे जो फ्री में आप अपना बैगेज वगैरह रख सकते हैं, ये वो काउंटर है जहाँ पे आप गवर्नमेंट का फैसिलिटी बना हुआ है, आप लोग फ्री में रख सकते हैं अपना बैगेज, मोबाइल, पर्स वगैरह। और इसके बाद हम जा रहे हैं अभी नॉर्थ गेट की तरफ, क्योंकि दोस्तों मैं इधर का ही रहने वाला हूँ, मैं हर साल पूरी आता रहता हूँ। तो पहले पूरी में इतना डेवलपमेंट नहीं था, अभी बहुत डेवलपमेंट हुआ है वहाँ मंदिर के चारों तरफ। पहले तो मंदिर के चारों तरफ इतना कचरा, इतना सब था, कोई घर बना के बैठा है, कोई दुकान बना के बैठा है, अभी वो सब बिल्कुल नहीं है। मंदिर के चारों तरफ बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत गार्डन बना रखा है, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है मंदिर के चारों तरफ को, और मज़ा आता है ऐसे, अच्छा माहौल कर रखा है वहाँ पे, पहले जैसे नहीं था, अभी ये बहुत डेवलप किया है मंदिर। तो दोस्तों अगर आपको, अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ गेट की तरफ, हस्ती द्वार बोलते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप आउट ऑफ उड़ीसा से कहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे जो वहाँ पे सेवायत बोलते हैं, जो पुजारी वगैरह बहुत काम करते हैं उसके अंदर, वो लोग बहुत परेशान करते हैं जो नौनोड़िया आते हैं उनको, क्योंकि वो ऐसे ही आपका हाथ लेके ज़बरदस्ती लेके कोई भगवान को लगा देंगे और बोलेंगे 5 रुपये दो। तो उनको अवॉइड करके रहना है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग उड़िया हैं, हम लोग वहीं पर रहते हैं, तो हम लोग को वो लोग इतना कुछ कर नहीं सकते हमसे। तो इसलिए जो बाहर से आते हैं ना, उन लोग को बहुत फंसाते हैं वो लोग। तो इसीलिए आप लोग कहीं अगर बाहर से आ रहे हो तो अगर आपके पास वो आए तो उसको ना हाथ देना है, ना उससे बात ही नहीं करना है, सिंपल है, उससे बात ही मत करो आप, और अपना जाओ भगवान में दर्शन करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको अगर हाथ दे दिया या उनसे कुछ भी उनसे पूछ लिया तो आपके ऊपर टूट पड़ते हैं, तो आपसे 1,500 ऐसे ही ले लेंगे। तो ये सावधानी में रहना है उनके साथ, कभी भी उनको पैसे नहीं देना, कोई अनऑथराइज है ये सब, ठीक, परेशान करते हैं उन लोगों को। तो ये जो अभी लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये हो गया वेस्ट गेट, जिसको बोलते हैं टाइगर गेट। तो ये मंदिर का ऑपोजिट साइड है। तो इसके मंदिर के चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना अच्छा से डेकोरेशन कर रखा है, पेड़ वेड़ लगा रखा है, बाउंड्री कर रखा है, पहले ये सब नहीं था, अभी बहुत अच्छा है ये सब चीज़। और तो दोस्तों मंदिर का जो महाप्रसाद होता है, जिसको उड़िया में अवड़ा बोलते हैं, वो लगभग दिन में 3 बजे के बाद ही, आफ्टरनून में 3 बजे के बाद ही आता है, गर्मा गर्म भगवान से प्रसाद भगवान को चढ़ने के बाद। तो अगर आप 3 बजे से पहले जा रहे हो मंदिर के अंदर तो हमेशा मिलता है प्रसाद, लेकिन आप 3 बजे के बाद जाओगे तो फ्रेश मिलेगा। उससे पहले अगर जाके कहीं खा रहे हो, खाना तो मतलब प्रसाद तो हमेशा मिलता है, लेकिन वो क्या है प्रीवियस डे का बेचते रहते हैं। अगर आप 3 बजे के बाद जा रहे हो तो आपको फ्रेश मिलेगा, एकदम उस दिन का मिलेगा, गर्मा गर्म महाप्रसाद मिलेगा। और ये जो आप देख, ये हो गया हॉर्स गेट, जिसको ये हो गया साउथ गेट, हो गया जो बोलते हैं साउदर्न साइड का। तो चारों तरफ का गेट का हो गया, आप लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों मंदिर का बहुत सारा पुराना हिस्ट्री है, आप लोगों को अगर सारा हिस्ट्री जानना है तो आप लोग गूगल पे या नेट पे आपको सारा हिस्ट्री मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। बहुत अच्छा हिस्ट्री है इस मंदिर का, बहुत पुराना है, 1100 साल पुराना मंदिर है ये। तो अभी मंदिर का हमने एक राउंड मार किया है, मंदिर कब खुला रहता है कब बंद रहता है ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि कोविड के टाइम में तो पूरा बंद था, अभी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, थोड़ा बंद हो रहा है। अभी रूल ये है कि ओनली मंडे टू सैटरडे खुल रहा है, संडे बंद है। तो ये सब चीज़ आपको पता नहीं होगा, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ उड़ीसा से आ रहे हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है desi_traveler09 करके, उस पर आप पूछ सकते हैं मेरे को, मैं आपको रिसेंट जो भी है अभी का क्या रूल चल रहा है वो बता सकता हूँ मैं आपको। कोविड गाइडलाइंस भी अभी शुरू हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, जो भी डिटेल्स चाहिए मेरे को आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल पे। और अभी ये मंदिर हमने हो गया, मंदिर का सारा घूम लिया हमने, अभी हम जा रहे हैं सी बीच, जो पूरी का फेमस सी बीच होता है, वहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम बीच, सी बीच वगैरह का जो रोड है वहाँ पे आके पहुँच चुके हैं। राइट साइड में आपका सी बीच है और लेफ्ट साइड में आपका जितना भी होटल्स हैं, मैक्सिमम पूरी का 90% ऑफ द होटल्स इन पूरी आर इन सी बीच। तो लेफ्ट साइड में आपका सारा सी बीच वाला जो होटल है, बीच व्यू होटल है, मैक्सिमम आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे। तो यहाँ पे जितना भी होटल्स है आप लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हो और ऑफलाइन भी आके बुक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में जितना भी होटल है यहाँ पे। और डिपेंडिंग अपॉन द रूम्स, अगर आपको सी फेसिंग वाला चाहिए तो 2,000-2,500-3,000 के बीच में रहेगा, नॉर्मल रूम तो 1,000-2,500-1,500 में मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप बुक कर सकते हैं यहाँ पे होटल। तो सी बीच आपको आने के लिए मंदिर से आपका ऑटो मिलेगा, नहीं तो ई रिक्शा होता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं सी बीच के आने के लिए। मंदिर से सी बीच मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और सी बीच में आपको हमेशा भीड़ मिलेगा, यहाँ पे आप कभी भी आओ, सी बीच पूरी सी बीच ऐसा सी बीच है जहाँ पे आपको हमेशा भीड़ मिलता है, सुबह और शाम को, इवनिंग टाइम पे और मॉर्निंग टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और नहाने के लिए बहुत सेफ है बीच, ये अभी जाके देखेंगे हम लोग कैसे लोग नहा रहे हैं।
तो टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया चीज़ अभी यहाँ पे लॉन्च किया है, गोल्डन बीच रिजॉर्ट करके है, वो थोड़ा सा आगे है, सी बीच के पास है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। वो बहुत अच्छा बनाया है गवर्नमेंट ने। आप लोग अगर बाहर से आ रहे हो उड़ीसा तो आप लोग ज़रूर जाके देखना वो सी बीच। और यहाँ पे बाइक पार्किंग का आपका यहाँ पे रोड साइड में लोग जैसे पार्क कर रहे हैं लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए, और पुलिस आके बीच में उठा लेता है। तो जो लोकल लोग हैं वो लोग पार्क कर रहे हैं, जो बाहर से आते हैं वो लोग यहाँ पे कभी पार्क नहीं करते अपना व्हीकल, वो लोग पार्किंग में ही पार्क करते हैं। अभी हम जाएंगे पार्किंग के पास। तो दोस्तों बाइक पार्किंग के लिए ये जो स्पॉट बना हुआ है यहाँ पे हम अभी बाइक पार्क करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे सी बीच देखने के लिए, सी बीच को घूमने के लिए थोड़ा जाएंगे। चलिए तो दोस्तों अभी हम आके पहुँच गए हैं फेमस पूरी बीच, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, बहुत भीड़ रहता है। अभी इवनिंग होने वाला है और बहुत भीड़ होगा आगे जाके। और यहाँ पे जो लहर होता है ना, जो समुद्र का टाइड होता है, बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, क्योंकि आप वेस्टर्न साइड में जाके देखेंगे मुंबई साइड या दमन साइड, वहाँ पे इतना ज़्यादा बड़े बड़े टाइड नहीं आते, छोटे छोटे आते हैं। और यहाँ पे लेकिन एक एक मीटर का टाइड आते हैं, और हाई टाइड के टाइम में तो ये सारे जगह पूरा पानी से भर जाता है, इतना बड़ा बड़ा टाइड आता है। ये जितना भी अभी ये लोग बैठे हैं यहाँ पे कोई नहीं बैठता हाई टाइड्स के टाइम पे, वहाँ पे पूरा ये हाई टाइड्स के टाइम पे ये ज़्यादा भर जाता है पूरा। और ये जो आप देख सकते हैं एक्टिविटी, यहाँ पे ऊँट रहते हैं, घोड़े रहते हैं, आप राइड कर सकते हो और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे। सुबह 2-3 घंटे और शाम को 2-3 घंटे यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लोग यहाँ पे मस्ती से नहा रहे हैं। यहाँ पे जो ये जो सेफ बीच है, ये बहुत सेफ बीच है, इतना एक्सीडेंट नहीं होते यहाँ पे, इंसिडेंट भी नहीं होते, और लाइफ गार्ड भी रहते हैं हमेशा यहाँ पे, आप लोग आराम से नहा सकते हैं। बीच बहुत प्लेन बीच है तो इतना कुछ डेंजरस नहीं है इसमें, बहुत बड़े बड़े लहर आते हैं और आराम से नहा सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग जब भी पूरी आइएगा, मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आए और यहाँ पे शाम को टाइम स्पेंड करें। और सबसे बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे सुबह का, जो सनराइज़ का टाइम होता है ना, वो सबसे बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि ईस्टर्न सेक्टर में सनराइज़ होता है, तो आपको बहुत अच्छा सनराइज़ का व्यू मिलेगा, आप मज़ा आएगा देख के वो। और सुबह का और शाम का टाइम आप सी बीच पे स्पेंड करें, सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ का ये। वहाँ पे सी बीच में बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं चाय के लिए, मैगी के लिए, या कोई भी ब्रेकफास्ट के लिए, या जो सी फूड होते हैं या नॉनवेज के लिए, बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं, तो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं वो सब। और तो चलते हैं, अभी जाने का टाइम है मेरा। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ सजेशन है आप लोगों को चाहिए जाइए तो ज़रूर बताना मेरे को। चलते हैं दोस्तों।